कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ग्रामर क्वेश्चन, यानी इंडिया में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो उनका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आता है, ग्रामर का, वोकेबुलरी का, या फिर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब का मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए गाइस, इस वीडियो में यूपीएससी, एसएससी, फिर तमाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो उनका क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, सिलेक्ट अ करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बींग थोरोली चेक बाई द गार्ड्स। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ए, बी, सी या डी? ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा गाइस। तो अभी मैं आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी द गार्ड्स वेयर थोरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। ये होगा इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मैच सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन। ए स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंस हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। तो ये क्या होगा, मतलब इसका करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? ये जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस का एक शब्द में कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर दिया है बी, यानी ट्रुएंट। तो ट्रुएंट वो होता है जो एक स्टूडेंट है हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंस हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, तो उसको ट्रुएंट बोलते हैं। तो अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वॉज हेल्प्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कौन सा सेगमेंट पे ग्रामेटिकल एरर है। तो आपके हिसाब से कौन सा रहेगा, ये होगा गाइस आंसर डी, यानी इन केस डेट वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस डेट द प्रोडक्शन वॉज हेल्प। देखिए गाइस, इन केस डेट नहीं होता है, ये गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है आपको बोलना होगा, ए बी सी डी होगा या फिर डी सी बी ए होगा या बी सी ए डी ऐसा होगा? तो आपके हिसाब से कौन सा होगा, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं और 5 सेकेंड्स रुकता हूँ, फिर आंसर आपको दिखा दूँगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा ए, डी सी बी ए, यानी दिस कैफे विच इज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये वाला होगा फर्स्ट, जो मतलब ऑर्डर पे ये वाला फर्स्ट आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन होगा, व्हेन यू बाय अ कार, हाँ, तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप ये पढ़ लीजिए, रुकिए, सॉरी, आप ये पढ़ लीजिए अभी। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ए लार्ज बिकॉज इट नीड्स चेंजिंग इट्स टायर्स मोर फ्रिक्वेंटली होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द कार शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ बी द साइज ऑफ द गैरेज द बायर इज। देखिए गाइस, गैरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, या अगर गैरेज ही नहीं जाएगा तो फिर गाड़ी को कहाँ पे पार्क कीजिएगा, रास्ते पे करिएगा क्या, ये तो सही नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टू फैक्टर्स दैट द बायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड इट्स क्या होगा, सी, इट्स साइज एंड इट एंड द कम्फर्ट इट ऑफर्स। व्हाइल बाइंग ए कार वन शुड स्पेशली कंसिडर इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। तो
गाइस अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन पे आए हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस. तो गाइस ये जो सेंटेंसेस दिया है ए बी सी डी ई, तो उसको मतलब करेक्ट सीक्वेंस पे अरेंज करना है. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट. आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए. मैं आप अगर चाहे तो इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. आप देख लीजिए, फिर इसको अभी अरेंज करना है. तो देखते हैं गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सेकंड अरेंजमेंट, सेकंड सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट. तो ये होगा करेक्ट आंसर ए, यानी ई. इन क्वेश्चन बिलो हैज टू ब्लैंक्स. तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स करना है. हैज टू ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक कंटेनिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड. चूज सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक विच बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए होल. तो आपके हिसाब से कौन सा होगा. ए न्यू लॉ हैज़ बीन पास्ड स्टेटिंग दैट नो एक्टर वुड बी अलाउड टू शूट बी ऑन 12 आवर्स इन ए डे एंड दोज हु डैश दिस नॉर्म वुड हेंसफोर्थ बी फॉर इट एंड दोज हु डिफाइड होगा शायद दोज हु या तो डिफाइड होगा या फिर फ्लाउटेड होगा. फ्लाउटेड दिस लॉ वुड हेंसफोर्थ बी पेनलाइज फॉर इट. हाँ ये होगा, सी होगा ऑप्शन. जो इस रूल को या फिर इस नॉर्म को तोड़ेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा. तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए. जी हाँ गाइस, इसका ऑप्शन है सी. तो इसी तरह वीडियोस में लाता रहता हूँ. आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहता हूँ. ये सब क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बहुत इंग्लिश वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस चैनल पे हम इंग्लिश को अच्छी तरह से सिखाते हैं. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए.